अरे आ जाना यार, कौन सा आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा, आना खेल हमारे साथ। अरे खेल रहे हैं क्या? नहीं पता था। ये तो चला गया भैया। अभी ना कोई बात नहीं, अब गेम पे ना कंसंट्रेट करो, मजा आएगा। हाँ तो चलो, मैं तो जज हूँ, तो हो गई टीम, चलो लेट्स स्टार्ट। मामी अब मैं आपके कान में एक पिक्चर का नाम बताऊंगी और आपको वो अपनी टीम को समझाना है, ठीक है? अभी बिना मुंह खोले। अच्छा ठीक है। हाँ खींचना। अरे हम आपके हैं कौन? भाई तो मामा जी, एक आप, बार ना? मामा जी से बता दिया, आपको कैसे पता चला? माधुरी की एक्टिंग कर रही थी ना ये। चलो तो फिर इनके टीम को मिला एक अंक, अब तुम लोगों की टीम की बारी है। चलो निकी, चल मैं बताती हूँ। दुल्हन शर्माना, शाहरुख खान दुल्हन दीदी अजी, करेक्ट। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सोना रीटा। चलो एक एक अंक दोनों के बराबर हुए। पहचान कौन? तुम्हें एक बोका, क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानती? छोड़ ना सौरभ, काम करने दे। अरे पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो तो सही, संभल के संभल के। सौरभ कहाँ ले जा रहा है, मैं गिर जाऊंगी पापा। अरे नहीं गिरोगे, मैं हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो आप? आँख बंद रखना। हाँ बंद। ये क्या है? पैजामा। साड़ी है, मुझे पता है। पता है तो पूछ क्यों रही हो? अरे पर किसके लिए है? मेरे पापा की गर्लफ्रेंड के लिए। चुप। ऑब्वियसली माँ तुम्हारे लिए है, पापा की गर्लफ्रेंड कौन है? मेरे लिए? यस। बहुत सुंदर है, खूब सुंदर। थैंक यू माँ, मुझे मेरा पहला कमीशन मिला और अच्छा काम करने का इंसेंटिव भी मिल गया। हाँ? तो उसी के लिए मैं ये लेके आया। वैसे आपके बर्थडे में मैंने कुछ दिया नहीं था ना आपको? मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत है? I'm so proud of you, Shorum. वैसे सारी के अलावा किसी और के लिए शर्ट भी लाया हूँ मैं। उसे तू ही पहन। जब लोगों के घर जा जा के औरतों का सामान बेच के मेरी ना कटवाएगा ना, उस समय पहनना। बिजॉय इतने प्यार से लाया है, एक बार देख तो लो। आशा जब पहननी नहीं है तो देखनी क्या है? देखे लो ना बिजॉय प्लीज। अरे कमीज है कमीज, वो तो मीनार थोड़ी है, नहीं पहन। चलता है आज उनका मूड खराब है, लगता है सुष्मिता सेन की फिल्म दिखानी पड़ेगी। चुप दुष्टू। अरे दादी कहाँ है? अंदर है। मैं उनको देख के आता हूँ, ये देखो उनके लिए। जा जा जा। हाँ चलो तो फिर आखिरी राउंड है अब। निकी अच्छे से खेलना, तेरी टीम हार जाएगी वरना। हार के जीतने वाले कोई क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। Yes, हम हार कर जीतेंगे। Come on, निकी टीम। Come on, come on, yeah! Come on! अब हमारे में से कौन जाएगा? निकी, क्या है ये? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। तो आप काम क्यों कर रहे हो? नीचे आके खेलो ना हमारी तरह। मुझे इन स्टूपिड गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे खेलना नहीं आता वो यही बोलते हैं। फाइनली लाइफ में कोई तो चीज है जो भैया नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, नहीं करना नहीं चाहता। जैसे बच्चों वाली गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई हम बुजुर्ग खेल रहे हैं तो तू क्या हमसे बड़ा हो गया? आजा यार आजा खेल ले, आजा। नहीं मामा जी ऐसा नहीं है। रहने दो ना मामा, भैया को डिस्टर्ब हो रहा है और हमें खेलने के लिए भी एक ही दिन मिला है। Who cares?
घर का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम थोड़ी लेट्स नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। हाँ ठीक है, नहीं खेलेंगे। अरे ऐसा कब कहा मैंने, तुम खेल सकते हो, बस शोर मत मचाओ। वैसे भी मेरे बिना भी गेम अच्छा खासा चल रहा था। भाई निकी बिल्कुल सही कह रही है, आपको हमारी परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब। ठीक है आप जाओ, हम में से कोई नहीं खेलेगा। मैं कल से इंग्लिश क्लास भी नहीं जाऊंगी। नेहा ये ब्लैकमेल है। तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही जिद कर सकते हैं, मैं भी जिद्दी भाई की जिद्दी बहन हूँ। नेहा बेटा रहने देना, बेटा इस खेल की वजह से तू अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई क्यों बर्बाद कर रही है? माँ आप बीच में मत बोलो, ये मेरे मेरे भाई के और दमशराज के बीच की बात है। चलो ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ मैं। आजा देव आजा। लेकिन अब तेरी इंग्लिश का टेस्ट मैं लूंगा। नो थैंक यू, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मुझे आपके टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी हाँ बोल चुके हैं, अब आप पीछे नहीं हट सकते। बैठ भाई। तेरी स्माइल के लिए तो मैं ऐसे ही खेल लेता, ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा भैया को मूवी मैं दूंगी। भाई जिता दियो। डूबती नहीं यार, गई भैंस पानी में। अरे आप क्यों बता रहे हो, उनके टीम की बारी है ना। अरे यार सही से करना यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सागर करना। नहीं यार चलते चलते। टिक टिक वन, टिक टिक टू। अरे जल्दी कर यार टाइम निकला है। टिक टिक थ्री, एक मिनट एक मिनट। टिक टिक फोर। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। क्या करिए सोना? मैंने पूरी बोट डुबा दी, उससे गेस नहीं कर पाया। डॉक्टर बोस ने एक एक्शन किया, एक पोज किया, उससे पता चल गया। भैया पोज जानने के लिए ना फिल्में देखनी पड़ती है, और ये रोमांटिक फिल्म थी, आपको कैसे पता होगा? और वैसे भी भैया ये ना हीरो और हीरोइन का सबसे रोमांटिक पोज था। राधा रानी याद है जब हम हरिद्वार गए थे तो स्टीमर पर ऐसी फोटो खिंचवाई थी। क्या बात है मामा जी, क्या बात है। चलो आज फिर हरिद्वार चलते हैं। आजा 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 आ हरिद्वार चलते हैं। ये क्या हो गया मुझसे? अब पानी गिर गया मुझसे। ए डॉक्टर नहीं, जरा साफ कर दो इसे, मेरी कमर में ना दर्द है। अरे ऐसे क्या देख रही हो, अब इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? पानी साफ कर दो, जाओ पोछा ले आओ। क्या जी ये इनका काम नहीं है, मैं कीचू को बुला देता हूँ, वो कर देगा। ओहो देव बेटा, अब तुम जाओगे फिर किचू को बुलाओगे फिर वो आएगा तब ये साफ होगा। अरे इतने में तो सारा काम हो ही जाएगा, जरा सा पानी तो है, कौन सा तालाब सुखाना है। अब जा जा पोछा लेकर आ जा। मामी मैं जानता हूँ इतना सा पानी ही है, लेकिन इनका काम नहीं है, इनका काम सिर्फ माँ का ख्याल रखना है।
सब्जियां उबालने को कहना कोई काम होता है क्या? देखो, राधा रानी ने अब तक अपनी आंखें खुली और मुंह बंद रखा, पर अब और नहीं होगा। अरे सच्ची बात तो ये कि ढेलेवर का काम नहीं करती। और बुरा मत मानना, ये तेरी लापरवाही है, तूने इसे सह दे रखी है, तभी तो सारे घर के सर पर चढ़कर नाच रही है ये। मामी जी, चिच्चू, कहाँ हैं सब लोग? ऐसा मैंने क्या कह दिया? ऐसी कौन सी गाज गिर गई जो तू इतना चिल्ला रहा है? और इससे कौन सा मैंने अपने पैर धुलवा लिए? और तू दो औरतों के बीच में क्यों बोल रहा है? अरे ऐसे काम ना लड़कियां आते जाते बस यूं ही कर देती है, और ये जरा सा पानी साफ नहीं कर सकती? मामी जी, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट है। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है आपको? 4-5 साल कॉलेज में मेहनत करो तब जाके डिग्री मिलती है। उनका काम बस माँ का ध्यान रखना है, वो वही करेंगी। ठीक है बेटा, आज तूने ना अपनी मामी को उसकी औकात याद दिला दी। हाँ, मैं 5वीं पास और ये 5-6 साल में डिग्री लेने वाली बड़ी डॉक्टर नहीं। मामी मैं बस बस रहने दे बेटा, रहने दे। कहने को मैं मामी और इज्जत, इज्जत मेरी नौकरों से भी बदतर, और वैसे भी तुम लोगों ने ना कभी भी मुझे अपना समझा ही नहीं। मामी सुनिए तो, क्यों बांध रही हैं आप? जी जी, ऐसी भोली भी ना बनिए। आपके राज में क्या हो रहा है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। भाभी भाभी, आप साफ साफ कहिए ना, क्या हुआ है, क्या कहना चाहती हैं आप? जी जी, अगर सच्ची बात कहूंगी ना तो कलेजे में चुभ जाएगी। आप दान धर्म वाली है ना, इसीलिए हमें यहाँ टिका रखा है। आप हमें अपना नहीं समझती है। भाभी, किसने कह दिया आपको कि मैं आपको अपना नहीं समझती? जी, पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, पर इज्जत तो थी ना। आज बंगालन ने वो भी उतार दी है। न्यूट्रिशन ने? हाँ वही। अब क्या किया उसने? जी जी, आजकल वही तो है जिस घर में सबकी चहेती बनी हुई है, इसीलिए उसने पूरे घर पर अपना जादू कर दिया है। तभी तो देव जैसा अच्छा लड़का, आज तक जिसने मुझे कुछ नहीं बोला, उस नौकरानी के चक्कर में मुझे खरी खोटी सुना दी इसने। मामी, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। हाँ बेटा, अनपढ़ हूँ ना, वो डॉक्टर नहीं है, पढ़ी लिखी सबको जानती है। मामी प्लीज। बेटा, उस नाम की डॉक्टरनी का क्या है, वो तो पराई है। वो तो मेरा अपना था, तूने अपनी मामी को ही। मामी जी, मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि वो अपना काम जानती है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर। तो क्या हो गया, अपने घर में क्या झाड़ू पोछा नहीं लगाती होगी? अरे सारा दिन यहाँ रहती है, मैंने जरा सब पोछा लगाने को क्या कह दिया, घिस जाती वो। आपको मेरी बात बुरी लगी उसके लिए आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा बताइए, आपका मूड ठीक करने के लिए क्या करना होगा? शॉपिंग करना चाहती है, वो दिल्ली हट चले? हाँ भाभी, जाएंगी? नहीं जी जी, मुझे जो चाहिए था सब दिला दिया है आपने, नहीं चाहिए कुछ। कुछ तो होगा जो आपको लेना होगा। हाँ बेटा, वो विक्की, विक्की के लिए कार लेनी है। जब भी वो उस गंदे खटारा से स्कूटर पर जाता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। पर ना बेटा, तुझसे इतनी बड़ी चीज थोड़ी ही मांगूंगी, तिनका तिनका जोड़ूंगी, किडनी बेच दूंगी अपनी, पर अपने बच्चे को ना गाड़ी अपने पैसों से दिलाऊंगी। तुझ पे और बोझ नहीं बनूंगी बेटा। मामी आप बहुत खुददार हैं। लेकिन बेटा, तेरी मामी की खुददारी ना रिश्तेदारी से बड़ी नहीं है।
मैं जानती हूँ तू विक्की को दिल से कार दिलाना चाहता, इसलिए मना करके तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, विक्की मेरे साथ चलेगा, गाड़ी पसंद करेगा, मैं ले दूंगा। हाय सच्ची भाभी, बस आप ऐसी ही मुस्कुराती रहिए, वरना आपके आंसू तो हमें पल भी बराया कर देते हैं। नाजी जी, आंटी जी, आपका खाना लग गया। घर में कोई ना हो तब चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। अपने पैसे से लाया हूं, कोई देख ना रहा हो तभी तो कैलोरीज भी काउंट नहीं होती है। वैसे मुझे कैलोरीज से क्या लेना देना। हे माँ काली, शुगर वगैरह का देख लेना, बाकी मैं आपको एक एक पीस पिज्जा चढ़ाते रहूंगा। छोटी मैंने जापानीज़ में पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ, कहाँ खोई रहती है तू? तुझे मिस्टर ओबोदो ने कुछ कह दिया क्या? ये गैस करना इतना मुश्किल नहीं था, ओके? और वैसे भी तुझे उनके अलावा इतना परेशान कौन कर सकता है? आज उन्होंने परेशान नहीं किया दादा। वाह, फिर? बड़े मिस्टीरियस टाइप का आदमी है, एक पल में केयरिंग, दूसरे पल में रूड, जितना उनके बारे में सोचो उतने कॉम्प्लिकेटेड होते। तो आजकल खोई खोई रहती है, कैलोरीज के अलावा किसी और के बारे में सोचती है। तुझे पता है इसे क्या कहते हैं? कि पिलॉट, सारी कायनात, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मिस सोना आपको प्यार हो गया है। व्हाट? लव, एल ओ वी ई, लव लव लव। आओ आओ आओ, नहीं कहा था लव, कहा मैंने? फिल्मी मत बनो। ओह, ये ना डबल एक्सल से ट्रिपल एक्सल बन जाओगे अगर ये सब खाना खाया तो। दादा किच भैया, डॉक्टर बोस चली गई जी? वो हाँ, वो तो चली गई। क्यों बेटा, तुझे कोई काम था? नहीं माँ, बस ऐसे ही। किचू, मेरे लिए दूध ऊपर कमरे में ही भिजवा देना। जी माँ जी। हाय रिया, मैं तो टाइम पे आई, तुम तो इतना जल्दी नाश्ता भी कर रही हो। वैसे बाकी सब कहाँ है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? निकी कॉलेज कॉलेज गई है। मिस्टर दीक्षित कंप्यूटर ऑफिस ऑफिस गए। ठीक है, दमशरास हो रहा है क्या जी? क्या खिकी खिकी कुकू कू कर रही हो? और हमारे घर के बच्चों के बारे में जानकर क्या करोगी? वो आंटी जी के लिए नाश्ता बनाना है तो देव और निक्की से तैयार करवाओगी? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जो घर पे रोज होते हैं तो मैं किचु भैया से कहकर उनके लिए भी नाश्ता बनवा देती हूँ। बनवा देती हूँ क्यों, खुद भी बना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम बनाती नहीं हो, बनवाती हो। डॉक्टर नहीं हो,
जाओ बनवा बनो जा। राधा रानी ने भी दुनिया देखी। अरे ऐसी होती है डॉक्टर में, डॉक्टर वो होता है जो दवाई देता है, खाना बनवा देती हूँ। काहे की डॉक्टर ने क्या है किच भैया? आंटी जी का जूस वही तैयार कर रहा हूँ डॉक्टर दीदी। ठीक ठीक है। अरे हाँ डॉक्टर दीदी, ये भैया जी ने आपके लिए दिया है। मेरे लिए? जी। आपको कौन से फूल पसंद है, इसीलिए अपने फेवरेट भेज रहा हूं। बॉस के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते। सॉरी, आई होप कम से कम इस नाते आप मुझे माफ कर देंगे। देव। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।